अरे कैसा यार पीके यार? अरे बढ़िया यार, मजा आ गया वहाँ साला डांस करने को। अरे एक नंबर डांस किए हो अपन ने हो। लेकिन सुन तो पैसे भी आए यार मेरे पास यार। देखो ना, देखो देखो भेजा पैसे आए, इधर खलर खलर बचते भी हैं। एक काम करते इसका बंटवारा। आदमी तो मेरे ऊपर ऐसा निछावरी कर रहा था, क्या बता रहा है, पूरा निछावरी कर दिया उसने। अपन के सिक्के निकाला था पूरे हैं, तब वही मेरे पास इतने सारे हो गए। बेजा वजन लग रहे हैं यार। सुनने क्या, रुक भला एक मिनट रुक जा देखता हूँ। देखो इस साइड के जेब में तो नहीं रखे आप? नहीं हो इस साइड दोनों तरफ से पैसे दे। अरे मोबाइल बजाने वाला गाना है। अच्छा ओ गाने नहीं मोबाइल में। हाँ चल ठीक है ना। तो अब ये नोट है और ये पैसे पहले सिक्के। पर एक बात सुन मेरी, अपन ने वहाँ डांस किया हाँ बोल, तूने भी भाई उतनी मेहनत किया, मैंने भी उतनी मेहनत किया। अच्छा पर ये जो काम था ये अपने देश के लिए था, तो ये जो पैसे हैं अपने पास इसमें अपन 3 हिस्से करेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक तुम्हारा हिस्सा, एक मेरा हिस्सा और एक अपने पूरे देश के लिए। अरे ये तो एक नंबर बात है यार, है कि नहीं? देख रोनटाई मत खेलना, डांट बनना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो चल बंटवारा कर लेते हैं ना। पहले सिक्के गिनकर, पहले सिक्के गिनकर। ये नोट को यहाँ रख देता हूँ, तू रख रहा है क्या? नहीं जेब में रख लेगा यार, तू यार जेब में रख लेगा, तेरा कोई भरोसा नहीं है। चल ठीक है ना, ये एक तेरा एक मेरा। या बड़ा मजा आया था। ऐसा ही प्रोग्राम होना चाहिए। हर साल प्रोग्राम आप ये साला 2 साल बाद बेकार गए थे लॉकडाउन के। मगर ना तूने मेरे को गाना गाने नहीं दिया गा। कौन सा गाना बे? दूसरी सफेदी भाभी से आए रंगी। कैसा है वो? भैया का चेहरा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद भाभी। oh, no. हमारी भाभी सबकी भाभी, ये गाना था। अबे टट्टी के शकल के। हाँ। ये गाना नहीं था, इतने जूते बढ़ते, टमाटर महंगे ना, सड़े टमाटर भी बढ़ते तेरे को। अरे इतना मस्त गाना गा रहा था गा, तूने गाने नहीं दिया मेरे को। गाना गाएगा क्या पटाखे फोड़ा आज। मेरे को 3 लड़की भेजा देख रही थी। सुन तो वो देखो वो बैठे। अरे ये तो अरे नहीं ये पीके और वो है ना। हाँ। जिन्हें डांस कर रहे थे साले। हाँ। वो एक लड़की बना था। पैसा नाप रहे, पैसा नाप रहे। चल 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 चल। अबे इधर से चल, इधर से चल, इधर से चल। ये पटाखे फोड़ेंगे। चल जल्दी आ, चल। तो ये तीसरा हिस्सा देश के लिए। ये देखना कैसा करता है यार, ये तीसरा हिस्सा अपने देश के लिए। फिर ये एक तेरा और ये 5 का सिक्का। तो इसको कैसा करें? इसको बाद में गिनेंगे। हाँ ये यहाँ रख देता हूँ। ये भी 5 का है, इसको भी रख दो। बेटा कौन कौन ने दिए होंगे 5? अरे क्या मालूम, ये तो ऐसा ही निछावा था। हाँ। चल ठीक, ये मेरा होता अभी है ना। हाँ। ये मेरा। हाँ। फिर ये एक देश के लिए। अच्छा ये हो गए 3 तेरा और ये 3 मेरा और ये देश के लिए। अब कैसे गाएगा गाए क्या? पैसा ही साले पैसे वाटा करेंगे। तेने सही दिमाग लगाएगा वगैरह ना। इसको ही कहते हैं 200 का दे दे। वाटा करेंगे ना, तो बराबर हो गया ना। नहीं पटाखा 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 उधर भी फोड़ रहे। इसको ही कहते हैं मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए। ले चल जाएंगे घर, पूरा माल अपना। और सुन तो, बताने का नहीं है कि अपने पास पैसा है। अच्छा इधर काय के लिए जाएंगे अपन? अरे हो इधर पागल है क्या? चल मेरे देश की शान तिरंगे, मैंने आज जितना प्यारा ना बनाया था। अच्छा स्कूल में गाँव का कहकर। अच्छा पर माँ के गुरुजी लोगों ने खाने नहीं दिए कि अकलाता है, तो मैं यहीं पे गा लेता हूँ। तिरंगे झंडे की जय और भारत माता की जय और पूरे हिंदुस्तान की जय। ए वतन जाने मन जाने मन, ए समा एबा जलवा जलवा मेरा जलवा मेरा जलवा। एक तो गाने नहीं दिए पड़ रही, मेरे साथ एक बात और गलत हो गई। वहाँ के गुरु जी लोगों ने बड़ा लड्डू दिए थे मेरे को, और वो की कमीनी भाभी कमीनी ने झपट ली मेरे पास से। अब मैं जाऊंगा उनके घर, जाऊंगा उनके घर में लड्डू लेने के लिए। वो तो मेरे को ना चानस नहीं दिए, नहीं तो देखते तुम पूरा स्टेज चीर डालती, फाड़ डालती बिल्कुल। अच्छा हाँ। तू कब से भाषण गाने लगी? अरे नहीं नहीं वो नहीं जी, भाषण नहीं जी हाँ। गाना गाती कह रही हूँ गाना। हाँ तो इसीलिए नहीं दिए तेरे को चानस। काहे के लिए चानस नहीं दिए? वही तो कहती हूँ मैं, स्टेज को चीर फाड़ देती तो नुकसान नहीं होता उनका। अरे सब मेरे से जलते हैं ना, कुछ ज्यादा ना कर दे करके। कोई नहीं, तेरे को जलन हो रही है मेरा कैसा नाम लिए कि गोविंद भैया आए और दो शब्द से संबोधित करे करके। जाप भाषण दिया, साफ खुश हो गए वो। ये भी ना, ये भी जरनोटे अंग्रेजी इनसे कम नहीं है। 75-76 साल हो गए हाँ आजाद हुए, लेकिन ये आदमी के वजह से ऐसा लगता है आजाद ही नहीं हुआ। कौन कहता है अंग्रेजों से आजाद हो गए हम लोग? उल्टे और अंग्रेजी में हम लोग फंस गए हैं, देश अभी भी आजाद नहीं हुआ है। और कैसा आजाद होएगा नहीं? अरे तो यहाँ अंग्रेजी वालों ने तो सब पास तैसी कर दिए। हाँ सही बात है ना, दूसरे जगह जाओ तो अंग्रेजी। हिंदुस्तान है, हिंदी को महत्व देना चाहिए ना, इंग्लिश। कहाँ से हो गए हम लोग आजाद? अच्छा इसलिए तो कहती हूँ मेरे को बनाते यहाँ का जो कुछ भी है तो फिर देखते हाँ। मेरे को बनाते तो देख लेते जो कुछ भी है, तेरे को बनाएंगे से अमरू को। बिल्कुल, भारत माता की जय। मैं बनती ना जी, मैं सबको चानस देती, सबको। अच्छा समझ चानस दे देती हूँ? अरे सबको देती, भाषण देने का। गाना गाना तो गाना गाओ क्या? अरे लबर चट्टू लाभ 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 चाटती, किसी को मौका ही नहीं मिलता बोलने का, इसलिए तेरे को चानस नहीं देते। रहन तो दो तुम। ये क्या जगलाई है? काय की गठरी है ये हाँ? पास से ना मैंने ना लड्डू चुरा ली थी। अरे पागल, वो बेचारे को दिए होंगे लड्डू तो तुकाई के लिए चोरी उसके पास से। जान तो दो। नहीं पत्ती कहाँ से लाई हो? स्कूल से चोरी हो जी। नहीं तोड़ ली हूँ, डालूंगी नहीं कि माताला भात में डालती हूँ तो अच्छा खाते हैं अपने घर के, इसलिए कहीं रख ली। नहीं जी लेकिन अपन ना तुमको जरा सा भाषण भी दिला दिया, जरा मेरे को जरा सा गाना गवा देते तो क्या होता है उनको। मैंने पर एक नंबर भाषण दिया क्यों है ना? नहीं जी सब ताली ठोक रहे थे वो, और नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, भीमराव अंबेडकर जी की जय, मानी नारे लगे सब। लेकिन एक दिन अगर मेरा नारा लगा देंगे तो क्या होएगा जी? आए तू अपने मुँह से अपनी तारीफ मत करना का। लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ जी, बहुत अच्छा गा देती हूँ। मेरे को बोलने कहते तो बोलती मैं। अच्छा। कि मैं गोविंद की बीबी हूँ हाँ। और मैं फलाने जगह से आई हूँ। अच्छा। तो बच्चों की परवरिश अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को बाहरी। साली खुद के बच्चे नहीं है, दूसरे को परवरिश की ज्ञान नहीं। उनको बोलती है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए बच्चों की। आजकल के बच्चे देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, 50-50 हज़ार रुपए फीस दे रहे हैं हाँ। गवर्नमेंट में अगर अच्छी पढ़ाई हो जाए तो नॉर्मल जो मतलब ज्यादा कमाने धमाने वाले नहीं हैं, गरीब आदमी हाँ। है। और एक बात पिंकी हाँ? ये गुरुजी जिनको इतनी मोटी मोटी तनख्वाह देते हैं हाँ। अच्छा। तो फिर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते क्यों नहीं जाते? अभी तुम देखना 75% बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं हाँ। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और 25% बच्चे गवर्नमेंट वाले में पढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात, सरकार वो जो पढ़ाने वाले हैं उनको किस बात की पैसे दे रहे हैं बताओ हाँ। अब हम गरीब आदमी हम कहाँ से पढ़ाएंगे भला? बड़े उनके बदले में ना हाँ। जितने बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं ना हाँ। इनको 10-10 हज़ार देते तो एक स्कूल में 10-12 मास्टर रहते। अरे तो देखो ना जी, फिर भी अपने इधर गांव देहात के बिल्कुल बच्चे इनको कोचिंग करा रहे हैं, बताओ पढ़ाने के लिए। फिर भी साल भर के कितना देते होंगे? 12,000 मान के चलो। सुखी है वो बच्चे नहीं है तो है ना, टेंशन से। लेकिन मैं भाषण देती ना एकदम सटीक बैठता है, सटीक वो सटीक सटीक बैठाल के देती हूँ मैं। देखो कितना अच्छा थी, पॉइंट टू पॉइंट। और बोलती कि सरकारी स्कूल में बच्चे टिफिन क्यों ला रहे हैं? खान पीन में लफड़ा होगा तुम्हारा, बच्चों को प्रोटीन वाली चीजें खिलाओ ला के। किस बात की पैसे दे रही सरकार? टिफिन ला रहे हैं बच्चे हाँ। अब तेरा भाषण यहाँ खत्म कर, क्योंकि तेरे को ये सब वहाँ देना था, तेरे को मौका नहीं मिला, इसलिए मुझे बहुत खेद है। इसलिए तो मैं कहती हूँ सबको मिलेगी मेहनत करने, सबको मिलेगी रोटी, सबको मिलेगी मेहनत करने, सबको मिलेगी रोटी। अरे आज खुशी के शुभ दिन आयो, आज खुशी के शुभ दिन आयो, अरे झूमो नाचो गाओ बजाओ रे नाचो गाओ ना। हाय तिरंगा, हाय तिरंगा, तीन रंग का तिरंगा, बोला भारत माता की जय। चलो तुम्हारी बात कर देती। अब इधर सुन, इनको घर में ले जाके अच्छे से रखना है, नहीं तो यहाँ फेंकना नहीं है। हाँ, अपमान होता है। मैं भी आप लोगों से यही बोल रही हूँ, हमको जो देख रहे हो ना। अच्छा, मैं भी तुमसे ये, तुम भी बोलो ना। हाँ, आप तिरंगा फहराइए, लहराइए, लेकर के रैलियों में घूमिए भी, और तिरंगे को घर में ला करके व्यवस्थित रख करके इसके सम्मान को ठेस न पहुंचाइए, क्योंकि ये हमारे भारत का शान है, हमारा आन है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, ये हर कुछ है। तो इसे नीचे ना गिरने दें, अगर गिरा भी है तो उसे उठा के व्यवस्थित अपने घर में लगाएं। और हमारे साथ आप सभी लोग बोले, बोलो भारत माता की जय। अभी तो हम लोग मिलते हैं आगे, चलो चाल आप हो गया बहुत का परचम। अबे तो आ रहे बांधेगी, धूप के मारे हक लगाए होंगे, इसलिए देख लो आप। इधर क्या कर रहे हो जब इसे का? तो आई तो रहा हम यार, यहाँ साला भूख की वजह से बीपी लो हो गया मेरा। घर चल, मेरे को पता था। तो घर आई तो आ रहे हैं, घर आई आ रहे हैं। ये तुम्हारे झंडा रहे गा, वो छोटे छोटे बच्चे थे गा बेचारे, ने झंडा नहीं था गा, इसलिए दे दी हमने। फेंकेंगे तो नहीं फेंकते नहीं। अच्छा काम किया जी, बच्चन को दे दी, उनके मम्मी पापा नहीं ले सकते होंगे। अरे पर फेंक देते ना बच्चे, किनका नहीं फेंकते जी। लड्डू का लड्डू, हाँ पहले ओए भाग गए यहाँ से तू। अरे इसका तो ऊँट कटा नहीं काम रहता है। झगड़े चालू है तुम्हारे। लड्डू पर सुनो तो आज का जैसा भी रहा, लेकिन कार्यक्रम अच्छा हुआ है। अच्छा, मजा आ गया। भले ही भाषण देने नहीं दिया मेरे को, लेकिन कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ। एक काम करेंगे, 26 जनवरी में मैं तेरा 8 दिन पहले नाम लिखा दूंगा, ठीक है आपको। अरे सुनो तो, अच्छा हुआ ना आज स्वतंत्रता दिवस है, एक बार भारत माता की जय जोर से बोलो, बोल भारत माता की जय। अब लड्डू खाएंगे घर में, चलो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तिरंगा झंडा तो लेते हो बराबर छोटे छोटे, ठीक है, एक बड़ा तो फहराते हैं वहाँ पे, लेकिन अगर आप ये छोटे झंडे लेते हैं तो इसे रोड में बिल्कुल ना फेंकिए, लातन खुंदन ना करिए, क्योंकि ये हमारी आन बान शान है, इसको गिरने ना दें, इसको सुरक्षित घर में जाके रखें। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दें, और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर दें। एक बार सभी लोग बोल भारत माता की जय। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक की जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।